हैदराबाद में एक 26 वर्षीय वेटनरी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस विभत्स कांड से पूरा देश हतप्रभ हो गया है। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी छात्र संगठन एबीवीपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में एक 26 वर्षीय वेटनरी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या से देश भर में आक्रोश है। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक लोगों ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने पकड़े गए 4 आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस विभत्स घटना के खिलाफ राजधानी भोपाल में भी छात्र संगठन एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एबीवीपी भोपाल महानगर की महिला इकाई की अध्यक्ष मोनिका पाटीदार ने किया। मोनिका ने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य घटना के शिकार उक्त महिला को न्याय दिलाना है। साथ ही उन्होंने इस घटना पर तेलंगाना के गृह मंत्री के विवादित बयान पर भी रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी का बयान उनकी महिलाओं के प्रति सोच को दर्शाता है। प्रियंका रेड्डी के साथ हैदराबाद में सामूहिक बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दी गई उसके, और अभी तक सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। उसके दोषी तो पकड़े गए लेकिन उनकी सजा का कोई अभी प्रावधान नहीं हुआ है। इस विषय में हम सारी छात्राएं यहाँ प्रदर्शन करना चाहती हैं कि जो प्रियंका रेड्डी है उनको न्याय मिल सके। अपराधी तो पकड़े गए हैं लेकिन जो तेलंगाना सरकार के गृह मंत्री है उन्होंने अपना बयान दिया है कि प्रियंका रेड्डी को पहले अपने घर वालों को ना बता करके पुलिस को बताना चाहिए था। ये उनकी जो महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और वो कहीं ना कहीं महिलाओं की या छात्राओं की या बेटियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो हम यहाँ सारी जो छात्राएं हैं हम सब मिलकर के ये कहना चाहती हैं कि हम देश की किसी भी छात्रा के साथ कोई गलत घटना होती है तो हम सब एक हैं और हम सब प्रियंका रेड्डी के साथ हैं। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। देश के अलग अलग कोनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी प्रकार से आंदोलन कर रही है और यदि प्रियंका रेड्डी को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी छात्राएं अलग अलग कोनों से आएंगी और एक उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य रहेंगी। कुल मिलाकर इस तरह की घटना ये दिखाती है कि अब भी महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। साथ ही ये समाज में गिर रहे नैतिकता के स्तर को भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।